भाजपा और इसके कई सांसद राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने संसद में भाषण देते हुए पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये क्लिप ट्वीट की और लिखा कि विपक्ष नेता राहुल गांधी ने खुद को हिंदू कहने वाले हर उस व्यक्ति को हिंसक बताया है और ये कांग्रेस पार्टी की हिंदुओं के प्रति घृणा और अपमान दिखाता है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर ऐसे ही कुछ आरोप लगाते हुए ये वीडियो ट्वीट किया। बीजेपी कार्यकर्ता स्मृति ईरानी समेत और भी कई भाजपा नेता और समर्थक राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये क्लिप ऐसे ही क्लेम के साथ शेयर करने लगे। हालांकि संसद टीवी पर राहुल गांधी का पूरा भाषण सुनने पर सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside Speaker's office. Hindu dharm mein saaf likha hai, satya ke saath khada hona chahiye, satya se piche nahi hatna chahiye, satya se nahi darna chahiye, ahimsa hamara prateek hai. Abhay mudra. Aise kijiye, aise kijiye. Abhay mudra. यानी राहुल गांधी की स्पीच का अधूरा हिस्सा शेयर कर सोशल मीडिया पर यह प्रचार किया गया कि राहुल गांधी ने संसद में पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताया है, जबकि राहुल गांधी वास्तव में भाजपा समेत उन प्रभावी लोगों पर निशाना साध रहे थे जो हिंदू होने की बात कहकर सांप्रदायिक माहौल बनाकर राजनीति करते हैं। ध्यान दें कि जब राहुल गांधी ऐसा कहते हैं वो सत्ता पार्टी की तरफ हाथों से भी इशारा करते हैं और बाद में बीजेपी को कहते हैं कि आप हिंदू नहीं हो क्योंकि हिंदू हिंसा कर ही नहीं सकता। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। ये सब हिंदू हैं यहाँ पे। इसलिए बीजेपी के तमाम नेताओं का ये दावा पूरी तरह से गलत साबित होता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, जबकि उन्होंने बीजेपी को हिंसक कहा था।